बेटी को मिला कर सम्मान करते हैं आप गौरव चैनल पे, ये महिलाओं का सम्मान होता है। बोला तो दोस्तों जो क्लिप आपने अभी देखा वो एबीपी के एंकर और गौरव भाटिया का है, जिसमें एबीपी के एंकर ने स्टूडियो में ही गौरव भाटिया को जलील कर दिया, रगड़ दिया। दोस्तों भूलना नहीं चाहिए, ये वही गोदी एंकर है जिसने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने के दौरान कहा था कि प्रधानमंत्री जी बताइए आप थकते क्यों नहीं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं। अब यहां क्या है, मामला है क्या, यहां पेटी कोट और चोरी का जिक्र हो रहा है, यानी जो पूर्वजों ने या पुराने जमाने में जो मुहावरा चला रहा था, कहीं ना कहीं पेटी कोट और चूड़ी को नारी के सम्मान से जोड़ा जाता है। गौरव भाटिया को कहा जा रहा है ये आदमी महिला विरोधी है, क्योंकि इसने कहा है पेटी कोट का जिक्र किया है, चूड़ी का जिक्र किया है। यानी अगर आप ये कहते हैं कि भाई आपने पेटी कोट पहना है तो इसका मतलब क्या आप महिला हैं, महिला मतलब क्या आप कमजोर हैं, तो क्या महिलाएं कमजोर हैं, क्या चूड़ी पहनने का मतलब है कि आप कमजोर हैं, क्या महिलाएं जो पेटीकोट पहनती हैं चूड़ी पहनती हैं क्या वो कमजोर हैं। इसी बात को लेकर दोस्तों लगातार बहस हो रही थी, लेकिन इस बार रुविका के आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची। पेटीकोट पहनने के लिए बातें कर रही है आप, क्या मतलब फालतू बातें कर रही है आप, अपने शब्द वापस लीजिए। रुविका गुस्से भरे अंदाज में चिल्लाने लगी, बिलबिलाने लगी और कह रही थी कि ये क्या आपने कहा की तुलना कहां कर दी, पेटीकोट और चूड़ी का संबंध कमजोरी से नहीं होता है। गौरव भाटिया माफी मांगो, माफी मांगो। दोस्तों काश गोदी एंकर जो हैं शुरू से इसी लहजे में होते, शुरू से यही अंदाज होता, तो आज मीडिया की ये हालत, ये नौबत नहीं आती। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रैंकिंग है पूरी दुनिया में मीडिया का 150वें स्थान पर है, यानी मीडिया जो है, जो भारतीय मीडिया है, भारतीय जो पत्रकारिता है वो एकदम गिर चुकी है। क्यों गिर चुकी है, क्योंकि ये लोग ना तो बेरोजगारी पर सवाल करते हैं, ना महंगाई पर सवाल करते हैं, ना तो सत्ता से सवाल करते हैं, ना सरकार से सवाल करते हैं, और इसीलिए इनकी जो रैंकिंग है लगातार गिर रही है। क्योंकि पत्रकारिता का मूलभूत जो तत्व है वो ये कहता है कि अगर आप एक पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, तो आप बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी पर सवाल करेंगे और सीधे सीधे सरकार से आंख में आंख मिलाकर सवाल करेंगे। लेकिन यहां पर गोदी एंकरों के होश सिल जाते हैं, प्रधानमंत्री की जब बात आती है तो कहते हैं भैया बटुआ रखा है कौन सा आपने, आप थकते क्यों नहीं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, इस तमाम तरह की बातें प्रधानमंत्री के संदर्भ में ये लोग करते हैं। आज तक प्रधानमंत्री जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लगातार इंतजार हो रहा है। जो तमाम बड़े बड़े पत्रकार हैं जैसे अभिसार शर्मा हुए, रवीश कुमार हुए, अजीत अंजुम हुए, पुण्य प्रसून वाजपेयी हुए, नवीन कुमार हुए, साक्षी जोशी हुई, तमाम पत्रकार जो वाकई पत्रकारिता के स्तंभ माने जाते हैं, लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री जी आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। तो सीधा सीधा जिस लहजे में आप देख रहे हैं रुविका एकदम बिलबिला रही हैं, रुविका एकदम गुस्से से लाल हो चुकी हैं, और ऐसा ही अंदाज चाहिए था। ऐसे ही अगर इनको चूड़ी पेटी कोट पे दिक्कत आई थी तो इनको कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, गरीबी पर दिक्कत आनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने दोस्तों आज तक कभी कोई सवाल नहीं पूछा, तो कभी भी सत्ता से, सरकार से सवाल नहीं पूछा गया, और इसीलिए मीडिया की जो हालत है दोस्तों आप देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन इसकी रैंकिंग जो है गिर रही है, इसकी स्थिति जो है दयनीय होती जा रही है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अब जो भारतीय मीडिया है बिल्कुल खत्म हो चुका है, सर चुका है। और जरूरी है दोस्तों, पत्रकारिता का जो लेबल है, जो स्तंभ है, कहा जाता है कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो एक मापदंड होना चाहिए, एक कम से कम पैमाना तो तय होना चाहिए, लेकिन इस पैमाने पर तमाम जो कसौटियां बनी हुई हैं उस पे ये लोग खरे नहीं उतर रहे हैं, और इसीलिए पत्रकारिता का जो स्तर है वो लगातार गिर रहा है। काश यही लहजा, यही अंदाज तमाम मुद्दों पर गोदी एंकरों का होता तो आज हमारी मीडिया की हालत नहीं होती। दोस्तों हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सहयोग समर्थन की जरूरत है। अपना कमेंट जरूर करिएगा, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, जय हिंद।